मैं एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ वो स्टूडेंट जो तुर्की की किसी भी यूनिवर्सिटी में, जो कि अभी तुर्की बर्स ले रही स्कॉलरशिप जा रहे हैं मास्टर बैचलर या पीएचडी के लिए, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी और आप किस तरह यूनिवर्सिटी की डिटेल चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लिस्टेड हैं तुर्की बर्स ले रही स्कॉलरशिप में, आपने किस तरह यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है, किस तरह उसका एक्सेप्टेंस लेटर सॉरी एक्सेप्टेंस रेट होता है, आपने किस तरह उसको फाइंड करना है, किस तरह उसके प्रोग्राम वगैरह जो होंगे वो आपने किस तरह सर्च करना है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है लिस्ट ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे आप लिस्ट ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज, ठीक है जी, इन तुर्की आपने इधर लिखना है, ठीक है जी, यहाँ पे तुर्की। तो आपने यहाँ पे इंटर दबा देना है। तो जैसे आप इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे भी आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो है ना मिल जाती हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटीज लिस्ट यहाँ पे भी आपको मिल जाती है, यहाँ पे भी, ठीक है जी। अब आपने क्या किया, यूनिवर्सिटीज लिस्ट यहाँ पे चेक कर लेनी है, स्टडी इन टर्की लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटीज की लिस्ट चेक करनी है। तो जैसे आप इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे टर्की बर्स लेरी की जो रिलेटेड यूनिवर्सिटीज होंगी उसकी तमाम तरह लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटीज मिल गया, यूनिवर्सिटीज लिस्ट। तो आपने किस तरह फाइंड आउट करनी है, यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कौन कौन सा प्रोग्राम ऑफर कर रही है, तो आपने चेक किस तरह करना है, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो यहाँ पे देखिए जी तमाम तरह यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फॉर एग्जाम्पल पहली यूनिवर्सिटी ले लेता हूँ, इस्तनबुल यूनिवर्सिटी। तो अब मैं यहाँ इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद इधर मैं आके इंटर दबाऊंगा। तो इसकी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है जी, यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए जी इसकी एक्सेप्टेंस जो रेट है ना वो है 57, ठीक है जी। इसके अलावा आप इसको किस तरह इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो अब यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं हम। रिमूव करने के बाद हम इसको इंटर दबाते हैं तो इसकी मेन वेबसाइट जो है ना हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जी इस्तनबुल यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे देखिए जी फैकल्टीज इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर हो गया, एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स होगी। तो मैं यहाँ पे इंटर दबा देता हूँ इस्तनबुल यूनिवर्सिटी को, मेन को मैं इसको विजिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं फैकल्टीज भी चेक कर सकता हूँ, इसके ऑफर प्रोग्राम भी चेक कर सकता हूँ, ठीक है जी। तमाम तरह इसकी जो डिटेल्स होगी मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ इसमें अप्लाई करने से पहले। तो यहाँ पे देखिए जी अब हमारे पास ये यूनिवर्सिटीज ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए जी तमाम तरह इसका डाटा जो होता है यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसी वेबसाइट के अंदर ही। आप तमाम तरह इसकी चीज़ें यहाँ पे चेक करना चाहें तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तमाम तरह इंस्ट्रक्शन वगैरह पर्सनल डाटा यहाँ पे तमाम तरह चीज़ें जो यहाँ पे दी हुई अब यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं स्टूडेंट फॉर्मेट पे जाता हूँ, ठीक है जी, यहाँ पे स्टूडेंट पे जाता हूँ। तो यहाँ पे देखें जी डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स हो गया, स्टूडेंट काउंसिल है, ठीक है जी, इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर हो गया, ई लर्निंग मॉड्यूल हो गया, तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टूडेंट एप्लीकेशन सिस्टम हो गया। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाता हूँ तो यहाँ पे भी आपको जो एप्लीकेशन सिस्टम होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है जी। इसके अलावा इस्तनबुल की जो रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं इसकी जो रेट है सॉरी इसकी जो रैंकिंग है वो है 401 to 500, ठीक है जी। इसकी जो रैंकिंग है वो भी दी हुई है, ठीक है जी। तमाम तरह चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। इसकी जो तमाम तरह नीचे टॉप लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे देखो मिल जाती है, अनकारा यूनिवर्सिटी होगी, एजी यूनिवर्सिटी होगी, इरकी यस यूनिवर्सिटीज होगी, गाजी यूनिवर्सिटी होगी, ये तमाम तरह यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे डिप्लोमा चेक करना चाहते हैं, एडमिशन टू द इस्तनबुल यूनिवर्सिटी डिप्लोमा प्रोग्राम विद इंटरनेशनल एग्जाम एंड डिप्लोमा ग्रेड्स, तो यहाँ पे वो भी आपको डिटेल मिल जाती है, ठीक है जी। इसी तरह से आप कोई भी यूनिवर्सिटीज़ को विजिट करके तमाम तरह उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो वो यहाँ पे, अगर आप एकेडमिक पे आएंगे तो इसके डिपार्टमेंट चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में आप क्लिक करेंगे। जैसे आप डिपार्टमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें जी ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स ऑफ इन्फॉर्मेटिक्स हैं, डिपार्टमेंट्स ऑफ फाइन आर्ट्स हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर मैं फाइन आर्ट्स के तमाम तरह प्रोग्राम चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे तमाम तरह इसके जो प्रोग्राम होंगे उसकी लिस्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स के चेक करना चाहते तो वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी इसके तमाम तरह जो है ना मिल जाते हैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपने फर्स्टली इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपने तमाम तरह इन्फॉर्मेशन रीड आउट कर लेनी है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स की तमाम तरह इमेज जो लाइब्रेरी है यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस टीम, यहाँ पे उसकी जो इन्फॉर्मेटिक्स की है वो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी की तमाम तरह डिटेल्स मिल जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे जो है ना इसके जो प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं वो प्रोग्राम्स की लिस्ट चेक कर लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसकी जो
रैंकिंग होगी, रैंकिंग भी आप रीड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ से डायरेक्टली इसको विजिट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी डिटेल्स लिखा हुआ है, डायरेक्टली आप यहाँ पे इंटर दबाएंगे तमाम तरह यूनिवर्सिटीज की यहाँ पे डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अनकारा की यूनिवर्सिटी की डिटेल चेक करना चाहता हूँ तो मैं इसकी डिटेल चेक कर लूंगा यहाँ से। तो यहाँ पे देखे जी इसकी जो यूनिवर्सिटीज है वो हमारे पास ओपन होगी। यहाँ पे देखे जी फैकल्टीज ऑफ लॉ का ओपन हुआ पड़ा है, ठीक है जी। यहाँ पे तमाम तरह इसके जो प्रोग्राम्स होंगे, डिपार्टमेंट्स होंगे, फैकल्टीज होंगे, इसकी तमाम तरह लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। आपने इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप जो भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट सर्च करनी है तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रोग्राम चेक करना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटीज पे आऊँगा, सिलेक्शन करूँगा प्रोग्राम की, तो यहाँ पे स्टडी एंटर की ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखे जी बैचलर के प्रोग्राम, फील्ड ऑफ स्टडी नॉर्मल स्टडी है, इवनिंग एजुकेशन है, डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन एजुकेशन है, उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम है देखे जी। इसमें इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हो तो इंग्लिश में सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिटी आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। कौन से सिटी में आप सेलेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो तुर्की के, तो यहाँ पे कोई भी आप सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने सेलेक्ट यूनिवर्सिटी है जो है ना, अमासिया यूनिवर्सिटी है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आप अपना प्रोग्राम लिख के, तमाम तरह प्रोग्राम इधर लिख के आप फाइंड पे कर सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम आप करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में। तो इसी तरह से आपने किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करना है तो इसी तरह से आप तमाम तरह यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी चेक कर सकते हैं, उसकी रैंकिंग भी चेक सकते हैं, उसकी वेबसाइट पर जाके उसके तमाम तरह ऑफर प्रोग्राम भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह से जैसा कि यहाँ पे आपको तमाम तरह यूनिवर्सिटी की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। अब इसी तरह से जैसे कि मैंने इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करा, यहाँ पे बुरसा उलूडाग यूनिवर्सिटी है, ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटीज पे आऊँगा, यहाँ पे प्रोग्राम पे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे प्रोग्राम आप फाइंड भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे आपने प्रोग्राम सिलेक्शन करनी होगी। इसके बाद यहाँ पे ए टू जेड अगर आप फाउंड करना तो वो यहाँ पे भी आपको ए टू जेड फाइंड प्रोग्राम मिल जाएंगे। इसी तरह से आपने तमाम तरह यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट चेक करनी है, प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, उसके बाद ही आपने उसी यूनिवर्सिटी की मेंशन यूनिवर्सिटी में आपने अपना जो मतलब का प्रोग्राम स्टडी करना चाहते हैं वो प्रोग्राम सिलेक्ट करके आपने अप्लाई सबमिट करनी है।